थैंक यू। मैंने एक एक आदमी को नोट किया, सब तालियां बजा रहे थे, मगर वो चार बड़ी उम्र के लड़के। कहने के बावजूद क्यों है इतना गुरूर आप में? क्या आपको लगता है आप भी होस्ट कर सकते हैं शो? मुस्कुरा रहे हैं, बस वो भी छोटी छोटी मुस्कुराहट। खैर, खातिर आजाद से पहले के भूल जाओ, आप लोग मौजूद हैं, हंसना मना है। मैं अभी ऐसे नाम इसलिए रखे जाते हैं शो के क्योंकि हमें पता है कि हम जिस चीज से मना करेंगे आप लोग भरपूर करेंगे। मैं अभी रिसेंटली रोशनियों का शहर कराची छोड़कर बागों के शहर लाहौर पहुंचा। रोशनियों के शहर कराची में भी कोई खास रोशनी नहीं, सिर्फ सूरज की रोशनी है, और अगर मोबाइल की रोशनी नजर आ जाए तो फिर दूर से एक मोटरसाइकिल की रोशनी नजर आती है और वो मोबाइल की रोशनी साथ लेके चली जाती। लाहौर में मोबाइल की लाइट नजर ही नहीं आती क्योंकि इतना स्मॉग है, क्योंकि जो हमारे एक विजनरी आए थे ना यहाँ पे, विजनरी तो सारे बाग काट के अंडरपास बना दिए। अब वो उन बागों की जड़ें नजर आती हैं अंडरपासों में, इतने अंडरपास कि आप ये देख रहे हैं माइक नजर आ रहा है, तार नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो तार? वो अंडरपास से आ रही है। लाहौर आके मुझे पता चला लाहौरी खास आदत है कि फिर रास्ता ठीक नहीं बता सकते ये लोग, बिल्कुल ठीक नहीं बता सकते। मैंने पंजाब असेंबली का रास्ता पूछा, उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। फिर कह रहे भाई यहाँ पे भी तो हो रही है कॉमेडी। और ये बात गलत है कि वो रास्ता गलत बताते हैं, वो रास्ता ठीक बताते हैं, जगह गलत बताते हैं, गलत जगह भेज दिया। अब इमाम साहब ने जो है वो, मैंने इमाम साहब से कहा इमाम साहब मुझे हक और सच का रास्ता बता दें, वो भी गलत बता दिया उन्होंने। माल रोड जाना था, मैं माल रोड पहुंचा, वहां रोड नहीं थी, सिर्फ माल था। अजी शुगर है, जेल लोड नहीं पूछा। अगर लाहौर में एक चीज ना हो, खुशकी से रास्ता नहीं बताते, खुशकी से तो कोई रास्ता नहीं बताते, हर रास्ता नैरो नहर, नहर निकाल दो तो लाहौरियों को रास्ता बताने का मजा ही नहीं आएगा। दोस्त से पूछा बाथरूम किधर है, कहने लगा भाई टीवी लाउंज से निकल, सज्जे मोड़ और नैरो नहर निकल जाए। कराची में नहर नहीं है, लेकिन जब बारिश आती है तो कराची नहीं होता, नहर होती है, नहरो नहर। अच्छा, कराची को पाकिस्तान का दिमाग, लाहौर को पाकिस्तान का दिल, लेकिन अगर यही रविश रही कि हम बॉडी पार्ट से तशबीह देते रहे शहरों को, तो कोई ना कोई एक शहर तो ऐसा होगा कोई ना कोई एक शहर तो ऐसा होगा जिसकी बहुत बहुत तकलीफ होगी जिसे। बहरहाल, कराची का खाना, कराची के खाने मशहूर हैं, लाहौर का खाना मशहूर है, दोनों शहरों के अपने अपने मसले हैं, दोनों शहरों की अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं। भाई मैं इसीलिए कनाडा चला गया। बहरहाल, आज हमारे साथ दो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले गेस्ट मौजूद हैं, एक जो आवाम के मुस्तकबिल से खेलते हैं, दूसरे जो बैट और बॉल से खेलते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के MPA हसन मुर्तजा और फहीम अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। बैठिए सर, आप उधर बैठिए, आप तो कहीं भी बैठ सकते हैं वैसे। हसन भाई, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आज क्राउड में आपके बहुत लोग बैठे हैं, मगर मुझे शिकायत उन 5 लोगों से है। वो बैठे तो हैं मगर हंस नहीं रहे। वो कई बार मैंने कहा भाई हंस लो यार, क्या हुआ है, वो हंस नहीं रहे। आप उनको कुछ कहकर लाए कि हंसना नहीं, हंसना मना है ना, इसलिए वो उन्हें पता नहीं है। ये तो मजाक में हमने लिखा था, उन्होंने तो लिटरली लिया हुआ है, बिल्कुल यूं बैठे हुए। उन्होंने आप डांट दें, थोड़ा जे हंसो। हम इतने दिनों से मैं लाहौर में हूँ, आपके बहाने कम से कम पीपल्स पार्टी नजर तो आई लाहौर में, वरना तो नजर ही नहीं आ रही। सर कहाँ चली गई पीपल्स पार्टी लाहौर से? अरे आई हुई है, 5 वो बैठे हैं, छठा मैं हूँ जी। टोटल पीपल्स पार्टी मौजूद है आज सेट पे। जी आज सेट पे टोटल पीपल्स। वहीं माशाल्लाह नीला सोफा, नीले कपड़े, सिर्फ टोपी और जूते नजर आ रहे हैं। मैचिंग करके, मैचिंग करके। अच्छा, ये टोपी किसने रख दिया या पहन के आए? ये मैं रख के खुद भूल जाता हूँ। हसन भाई, उर्दू से ज्यादा आपका कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, आप कह रहे थे उर्दू से ज्यादा पंजाबी में मजा आता है, गाली देने का भी, प्यार करने का भी, गुस्सा करने का भी, क्या वो ये वाकई ऐसा है? ऐसा है, ये हकीकत है जी। तो आप एक काम करें, मुझसे प्यार करके दिखाएं पंजाबी में। पंजाबी में प्यार कम होता है, गाली दस ज्यादा स्वाद आता है, वो अगर हुक्म दो तो मैं हाजिर। अच्छा, उर्दू में तो ऐसा होता है ना, जैसे प्यार अगर किसी को करना भी हो तो आधी बातें तो आंखों में हो जाती हैं कि फहीम
इसका इसका मतलब ये है कि बस मुझे प्यार है, पंजाबी में इस तरह नहीं हो पाएगा ना। पंजाबी प्यार करना बड़ा सौख है। हाँ। अंदर आओ। पूरे पाकिस्तान का सवाल है आपसे कि आप बैटिंग ऑलराउंडर हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। इसकी एक वजह बता दूं, मोहल्ले में जब टीम बांटते हैं ना तो किसी लड़के से पूछते हैं भाई अपना तुम क्या करते हो, तो कहते हैं दोनों कर लेता हूं। पाकिस्तान में सब ऑलराउंडर होते हैं, आप कौन से ऑलराउंडर हैं, बैटिंग या बॉलिंग? आज क्लियर कर दें फहीम। शुरू शुरू में मैं भी दोनों था। ट्रायलों पे जाते थे ना। हाँ। क्या करते, दोनों करते हैं। हाँ। तो फिर कहते हैं एक बताओ, तो मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। बॉलिंग ऑलराउंडर। हाँ, तो बॉलिंग का ट्रायल देते थे, फिर जाके जब टीम बनती है ना तो फिर आप बाद में अपनी बैटिंग दिखाते हैं, तो फिर आपको ऑलराउंडर मारते हैं, उससे पहले नहीं मारते। हसन भाई, क्रिकेट कभी खेली है आपने? जी बहुत खेली है। कहाँ? असेंबली में वन टिप तो नहीं खेलते आप? असेंबली नहीं, शुरू में मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा, कितना शुरू में? मतलब स्कूल। फिर क्या हुआ? बैट बॉल मेरा होता है इसलिए उन्होंने मजबूरी तो खिडाना पैंता। आप भी ऐसे ही करते थे, आउट हो गए तो बैट बॉल लेके? ना, सवाल ही नहीं, दो बारियां लेंदा सार। अच्छा अच्छा है ये। हसन भाई, अगर बिलावल को पंजाबी सिखानी पड़े, उनको कभी पंजाब आके पंजाबी में तकरीर करनी पड़े, तो कहाँ पे टांग रही हैं कि पंजाबी क्या होगी? लत्तां कमदियां पईयां ने और की। फहीम, दो बॉलें दो विकटें ले ली श्रीलंका के खिलाफ, हैं तीसरी बॉल। अब होता है ना ये टीम में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं आ जाते हैं फौरन, वो भाई इधर रख उधर रख इधर रखी इसको इस तरह करा, इस तरह सजेशंस आए थे। तीसरी बॉल के ऊपर क्या फीलिंग थी मॉल में जब हैट्रिक वाली बॉल थी? तीसरी बॉल पे मेरे पास मेरा दोस्त तो कोई नहीं था खड़ा, लेकिन इमाद वसीम खड़ा था, वो मेरे से सीनियर था और मेरा मतलब टीम में कुछ टाइम हुआ था। तो इमाद ने बोला आप तूने आके अच्छी लेंथ पे हिट करनी है। हाँ। तो वहाँ से तेरा अंदर गेंद घुस गया तो तू हैट्रिक कर लेगा। तो मैंने आके सिर्फ उसी लेंथ पे गेंद हिट किया, तो जब पैडों पे लगी है ना मैंने बस अपील कर दिया, मुझे भी नहीं पता उसके बाद कर दी, बस अपील कर दी और अंपायर ने आउट दिया ना, तो उसके बाद मुझे नहीं पता क्या। उसके बाद वीडियो या पिक्चर्स देखे ना तो फिर पता चला कि हम इतने एक्साइटेड हो गए थे उसके बाद। हसन भाई, अगर होता ना तकरीरें करने जाते हैं सियासतदान स्टेज पे, हैं मेरे दिमाग में ख्याल आया, अगर आपको मौका मिले, आप हैं भी थोड़े से शरारती से, अगर आपको मौका मिले कि भाई ये सियासतदान जा रहे हैं स्टेज पे तकरीर करने, इसको मैं भंग वाले पकौड़े खिला दूँ, कौन होगा वो सियासतदान? शेख रशीद। ठीक है, वो ऑलरेडी खा के नहीं आते? तो मैं बाहर से खाता हूँ, जिस दिन घर से खाया है हराम खाया है। मैं जब आया हूँ ना तो मुझे उन्होंने बताया कि ताबिश साहब जो हैं वो कराची से कनाडा और कनाडा से लाहौर। मैं क्या, क्यों डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं? ये मैं सर तैरुल कादरी मॉडल पे काम करता हूँ, बस यहाँ आता हूँ कमाता हूँ वापस चला जाता हूँ। ये तो आपका बिजनेस है ना, इस पे तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। कोई बुरी बात नहीं, मैं कौन सा धरना देके बैठ जाता हूँ। हाँ जी, ठीक है। ऑडियंस लाखों लोग बैठे हुए हैं आपके सामने सर, 150 रुपये प्लस बिरयानी पे क्राउड बुलाया हुआ है, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ, इनके दिलों में बहुत सवाल हैं। हैं तो भाई, हाँ भाई, किसके पास है सबसे पहले सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। हाँ मोहम्मद सईद, क्या क्या करने आए हो यहाँ पे? सर मैं शो देखने आया हूँ आपके लिए। बैठ के देखो, खड़े क्यों हो गए? सवाल है सर, पूछो। सर दोनों से है। किन दोनों से? सर से। पूछो। पहले सर से मेरा सवाल है, आप एक मिसाल देते होते हैं पार्लियामेंट में, वो चौधरी वाली और उसका जो नौकर है गामा मरासी, वो बहुत मशहूर हुई है, वो अगर आप सुना दें, आपने खुद बनाई है या वो कहीं पढ़ी थी आपने? वो इस तरह था जी के हम ओपोजिशन में थे, फंड्स मिलते कोई नहीं थे, हल्कों में डेवलपमेंट होती कोई नहीं थी, मैं पंजाबी में ही गुफ्तगू करता था, तो मैंने स्पीकर को कहा कि जनाब स्पीकर साड़ी एक पिंड दे विच चौधरी नू दावत मिली के नाल दे पिंड अज लंगर तकसीम होना है तो उत्थे तशरीफ लियानी है। चौधरी साहब उत्थे गए तो नाल अपने नौकर नू भी लै के चले गए। हुण लंगर तकसीम होण लगा, उन्होंने कहा चौधरी साहब ये तुसी आपने दस्ते मुबारक नाल ही तकसीम करना है। चौधरी साहब तकसीम ते बह गए, नौकर नाल बैठा ही बेचारा, देख जदों खुली तो कोई थोड़ा जिहा खान साहब तबीयत दा बंदा आई, सादा खाना, उन्हों खुशबू आई पौनिया दी, प्याज ते टमाटर ते देसी घ्यो, उस बेचारे तो रिहा ना गया, उठ के लैने लग गया।
ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦੇਗ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੇਗ ਉਹਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਮਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਦੇਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਦੂਜੀ ਦੇਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗਾਮਾ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਮਿਆ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਆ ਤੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਗਾਮੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਦੇਗ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਗਾਮਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਆਂਦਾ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਦੇਖ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਸੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟਿੰਗ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਪੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਪੇ ਬੈਟਿੰਗ ਰੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਖੇਲ ਸਕੂੰ। ਫਹੀਮ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਪੇ ਬੈਟਿੰਗ ਆਪਕੋ ਕਹੀਂ ਪੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਟਸਮੈਨ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਫਿਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਪੇ ਖੇਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਲ ਸਕਦਾ ਹੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ 6 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਤੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਚੌਥੇ ਪੇ ਖਿਲਾਏ ਪਾਂਚਵੇਂ ਪੇ ਖਿਲਾਏ ਜਹਾਂ ਪੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਵੋ ਬੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪ T20 ਦੇਖੇ T20 ਮੈਂ ਤੋ ਆਸਾਨ ਹੈ ਖੇਲਣਾ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੋ ਯਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਮਾਰਨੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਸਭਸੇ ਜੋ ਮੇਨ ਆਪਕੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਭਸੇ ਮੇਨ ਨੰਬਰ ਹੋਤੇ ਹੈ 5, 6 ਔਰ 7 ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਪੀ ਹੂੰ ਕਿ 6 ਸੇ 7 ਨੰਬਰ ਪੇ ਮੁਝੇ ਬਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਝੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਟੀਮ ਕੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਸੇ ਰੀੜ ਕੀ ਹੱਡੀ ਸਮਝਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਤੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਪੇ ਮੁਝੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਪੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂੰ ਜੈਸਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁਝਸੇ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਤੇ ਭਾਈ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਡਾਲੀ ਫਿਰ ਸਭ ਹੈਡਿੰਗ ਡਾਲੀ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਯਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਤੇ ਤੇ ਫਹੀਮ ਰੱਟਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਇਸ ਗੇਮ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਯਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸਮੇ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਕੁਛ ਨਾਮ ਲੂੰਗਾ ਆਪਸੇ ਵੀ ਸਰ ਔਰ ਆਪਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਅਭੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਅਭੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਹੀਮ ਸੇ ਕਾ ਹਸਨ ਅਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਤੋ ਕਿਆ ਹੋਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵੋ ਵੀ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗਾਉਂ ਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਲੀ ਉਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਟ ਥੋੜੀ ਸੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਖਾਵੇਗਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੂਛੇ ਸ਼ੂਛੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਿਹਤ ਵੈਸੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਹਾਂ ਤੋ ਫੈਸਲੇ ਅੱਛੇ ਨਿਪਟਾ ਲਏਗਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਜੋ ਅਭੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਡ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਵੈਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਗੇਟ ਗਰਿੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸ਼ੋਏਬ ਮਲਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਕਿਆ ਹੋਤੇ ਵੋ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਲ ਹਾਂਜੀ ਮਾਡਲ ਹੋਤੇ ਸ਼ੋਏਬ ਭਾਈ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾ ਹੋਤੀ ਤੋ ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਬੇਟੀ ਹੋਤੀ ਵੋ ਤਾਂ ਅਭੀ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਹੀ ਹੈ ਅਭੀ ਤੋ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਤੋ ਅਭੀ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਰੱਖਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋ ਵੋ ਬੇਟੀ ਹੀ ਹੋਤੀ ਬੇਟੀ ਹੋਤੀ ਮਾਂ ਹੋਤੀ ਬਹਿਨ ਹੋਤੀ ਬੀਵੀ ਹੋਤੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਜੀ ਅਬ ਉਸ ਪੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਬ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਭੀ ਟੂਟਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾ ਵੀ ਪੁੱਛੇਂਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੇ ਵੋਟ ਫਿਰ ਸੁਬਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾ ਹੋਤਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਹਿਫਿਲ ਲਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਤਾ ਮਹਿਫਿਲੇ ਲਗਵਾਤਾ ਵੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਕੜਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਕੜਤਾ ਵੋ ਲੜਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਪਿੰਡੀ ਮੈਂ ਜੋ ਉਸਕੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੋ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਮਹਿਫਿਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਹੋਤੀ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਹੋਤੀ ਇਸੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਲਦੇ ਮਹਿਫਿਲ ਚਲਾ ਲੇਤਾ ਲੇ ਹਾਂਜੀ ਫਹੀਮ ਬਚਪਨ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣੇ ਮੇ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਵਾਂਟ ਪਿੱਟਤੀ ਥੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਥਾ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਜਿਸ ਸੇ ਆਪ ਬਚ ਜਾਤੇ ਥੇ ਕੁਛ ਥਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਦੂ ਆਪਕੋ ਕਿਸ ਨੇ ਬਤਾ ਦਿਆ ਯੇ ਯਾਰ ਅੰਮੀ ਹਮ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਬੈਠ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੋ ਕੁਛ ਤੋ ਆਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਝੇ ਅਭੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਹੋ
वजीफा? हाँ जी। नहीं वजीफा नहीं बताना, मतलब कैसे कोई होता था ना बचपन में, होता था और चलता भी था वो ये था कि मैं एक शो पे गया हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ था मुसीबत के वक्त की दुआ, मैं कहा था मेरे काम दिए क्योंकि मैं घर ना चोरी खेलने जाता था, चोरी से निकलता था, पता नहीं था, ये पता था कि यहाँ पे अपने घर के पास ही स्कूल है वहाँ पे खेलने गया, ठीक है, तो वो भी मुझे खेलने की परमिशन छुट्टियों में मिलती थी सिर्फ। हाँ। उसके अलावा अगर मैंने स्पेशल गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन इसीलिए लिया था कि वहाँ पे ग्राउंड था खेलने, गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था। उसके अलावा ये था संडे को अगर मैं कभी कभार लेट हो गया ना रात को, तो जब तक मैंने घर जाके सब कुछ देख लेना ठीक नहीं है तब तक मैंने वो पढ़ते हुए हटना नहीं था, वो मैंने शुरू हो जाना तो बस पढ़ी जा चौधरी बचना है बुक और बच जाता, यकीन था ना। हाँ ये कन्विक्शन के साथ जो काम किया जाए वो चलता है, इस वजह से था बस। वेरी नाइस। अच्छा हसन भाई इंटरेस्टिंग सवाल है, आपके पास एक चिराग आ जाए और आपने उसे घिसना है रगड़ना ही आपके ऊपर है, लेकिन आप उसे घिस रहे हैं, उसमें से निकल आया जिन। अब आपने जिन को सिर्फ तीन ख्वाहिशें बता सकते हैं, तो सबसे पहले हसन भाई आपसे पूछूंगा तीन ख्वाहिशें बतानी है, मगर ये ना हो कि आप पहली ख्वाहिश ही बोल देंगे मुझे हजार ख्वाहिशें चाहिए, वो जिन है वो पागल थोड़ी है, मतलब वो कहेगा यार तीन है तीन की बात है। तो तीन ख्वाहिशें, पहली ख्वाहिश हसन भाई, कोई ऐसी ख्वाहिश दुनिया में रह ही नहीं गई जी, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया है, अब जिन्नों से क्या लेना है जी? कुछ तो मांगो सारा कुछ। देखे मैंने अपनी ज़िंदगी बड़ी भरपूर इंजॉय की है जी, हर मतलब हो सकता है कुछ तो चाहिए होगा, मतलब कनाडा का वीज़ा ही रह जाता है जी तो सर अपने लिए तो आप कुछ नहीं मांग रहे, कम से कम पीपल्स पार्टी के लिए सीटें मांग लें यहाँ पंजाब में, बिलावल के लिए भी मांग लेनियाँ सी, इन्हों तो लैनिया ने इंशाल्लाह, जो असी इन्हों कन्विंस करन जोगे हो गए तो इन्हों तो ही लवेंगे, जादू टूने नाल सियासत पीपल्स पार्टी का सेवा नहीं है जी। किसका है फिर? साडा नहीं है हूँ, इनका जरूरी तो नहीं किसी होर का हो, मैं नहीं पता, साडा नहीं है बारा। हसन भाई माजत के साथ, मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता पार्लियामेंट में ब्रेक होते ही नहीं होते, मगर यहाँ जरूर होते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तीनों हजार कहीं जाइएगा। आप कितने अच्छे लग रहे हैं आप अंकल, मूड होकर आए ब्रेक में लगता है। आइए हमारे साथ मौजूद हसन मुर्तजा और फहीम अशरफ। फहीम पूछना चाह रहा था, बाउंड्री लाइन पे आप खड़े होते हो फील्डिंग करते हो, मैंने सुना है काफी इंटरेस्टिंग वाक्य होते हैं वो बाउंड्री लाइन पे, वो पीछे से आवाजें क्या है? बहुत होते हैं। क्या एक सुना है कोई एक बंदा है हर बार मौजूद होता है वो? हाँ जी, वो डोमेस्टिक मैचेस में मौजूद होता है वो लड़का। क्या कहता है वो पीछे से? वो ये है कि वो पीसीबी के साथ ही है, जो स्टार लगाने वाली कंपनी होती है ना उसमें है। ओके, फैसलाबाद में T20 हो, लाहौर में मैचेस हो, ठीक है, T20 के अलावा पाकिस्तान की सीरीज हो, हर जगह पहुंचा होता है और आवाज लगाए फहीमा राणा आई लव यू यार अल्लाह खैर ही करे जिस तरह दे है। कभी खवातीन की तरफ से आवाज आई है फहीम आई लव यू? नहीं, पाकिस्तान में इतना तो ख्याल करती है, उनको खुद भी शर्म आती होगी। कभी ये नहीं सोचा कि शायद कहना ही ना चाह रही हूँ अरे यार तुमने आज फिर मुझे कॉल नहीं की। मैंने आपको कॉल की थी। कब की? मुझे तो नहीं नजर आई। थोड़ी नेचर्स कॉल थी तो आपको नेचुरल थी वो, नजर नहीं आई आपको। हसन साहब मैं आपके पास एक बहुत बड़ा केस लेके आई हूँ। केस मोहब्बत हो गई है मुझे इनसे। मैं समझा मेरे नाल हो। अब बुला लो जिन, बुला लो जिन। अब बताएं, अब बुलाओ जिन, कौन बुलाओ? अब बुलाओ जिन, अब बताएं, ये मुझे अटेंशन नहीं देते। अगर आज तू बार ताबिश तू तवज्जो ना देती तो मैं देंगा। मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं है? हल्का लेते हैं ये मुझे। बताएं मैं कौन हूं? कौन हूं? कौन है भाई? ये वो चीज है जिनका मुझे भी नहीं पता। आपको नहीं पता? चले मैं बात हो गई, बेइज्जती हो गई आपकी। अच्छा मेरा नेक्स्ट चैप्टर लिखने का टाइम हो गया। ये असल में लिखा रही हैं, ये हमारे मोहल्ले में रहती हैं, राइटर हैं, इनका नाम है जेके रौनक। नहीं जाना कठे है सर, अब आप छोड़ दें, वो जिन जा चुका है। अब आपने कहा ना मुझे तो कोई ख्वाहिश ही नहीं है, अच्छी बीवी अच्छे बच्चे सब मिल चुका है, फौरन दसो तुसी। चीज़ा टाइमली चंगियां लगदी। अच्छा सर हसन भाई क्रिकेट में तो आपने देखा होगा स्लेजिंग होती है ना, कर ये कर इस तरह आंखों में आंखें डाल दी, असेंबली में भी स्लेजिंग होती है, आपकी कभी हुई है कभी किसी से 1-on-1?
मेरी कोई नहीं जी, मेरा बड़ा प्यार का माहौल है सारों से, सारों से ही। हर पार्टी में आपने अच्छा बनाया है, कभी भी जा सकते हैं। मेरा प्यार भी करती है, इत्राम भी करती है। फयाजुल हसन चौहान से भी अच्छे ताल्लुक आते हैं? फयाजुल हसन चौहान से भी अच्छे ताल्लुक। कैसे? वो मेरे से इज्जत बचाता है, मैं उससे बचाता हूँ। यही तरीका है। ये हमारा ताल्लुक। अच्छा, सियासतदान जो होते हैं अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज में, तो उनका एक और काम भी होता है, वो लीडर के बयानात को डिफेंड भी करना होता है ना। मैं तो कराची से हूँ, आपको पता है हमारे यहाँ एक लीडर थे, अब तो वो भी लंदन में, फोन था हमारा लीडर, तो वो ऐसे बयानात दे देते थे रात में कि उनकी पूरी पार्टी को डिफेंड करना पड़ता था। आप हर पॉलिटिकल पार्टी में कोई ना कोई लीडर कभी कोई ऐसी बात करता, जैसे वो बयान आया था बिलावल का कि ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा बारिश आती, ज़्यादा पानी, कैसे डिफेंड करते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि उस बयान में गलत क्या चीज़ थी? नहीं, असल में बहुत ज़्यादा सही था ना वो, कि बारिश आती है पानी आता है। चेयरमैन बिलावल ने कहा कि बारिश आती है तो पानी आता है, और अगर ज़्यादा आती है तो ज़्यादा पानी आता है। अब एक जगह से अगर एक गैलन पानी जा सकता है और उसमें आप इंक्रोचमेंट करके वहाँ से एक लीटर की गुंजाइश रह जाए और ज़्यादा पानी आए तो वहाँ रुकना भी है, इसमें कोई ऐसी दो राय थी नहीं। लेकिन उसको उसके एक्सेंट और उसकी ज़बान की बुनियाद पर टारगेट किया गया या तनकीद का निशाना बनाया गया, तो हम कोई उस पर वो नहीं है भाई। एक टीम के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, एक गैंग बना हुआ है क्रिकेट टीम में, उसका नाम है रोटी गैंग। हैं, रोटी गैंग में आप भी शामिल हैं, और कौन कौन शामिल है रोटी गैंग में? हसन है, ठीक है, शदाब है, ठीक है, फखर है, आसिफ है, मैं हूँ, और शुरू शुरू में जो स्टार्ट किया था ना जब हमने, हाँ, नवाज भी था, लेकिन उसके बाद उसकी शादी हो गई, फिर हम लोग रह गए। अच्छा, रोटी गैंग क्या है, कैसे बना, कौन कौन, बता दिया आपने, नाम कैसे पड़ा? ये हमने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था न्यूजीलैंड में, ठीक है, वहाँ पे हम लोग गए थे, हम लोग सारे ही टीमें नए नए थे, तो आप कहीं पे भी जाओ ना तो आपको खाने का बड़ा मसला बनता है। हाँ। हम लोग सारे इकट्ठे गए ना वहाँ पे खाना खाने जाते थे, तो अब अलग अलग से फ़ोन करना मुश्किल लगता है, जब आपने इतनी प्रैक्टिस की हो ना फिर बंदा कहता है कोई मुझे उठा के ले जाए। Exactly. तो वो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया था, तो रोटी ग्रुप रखा, तो वहाँ से फिर ये रोटी गैंग चल गया। नवाज़ की शादी होगी, वो सेपरेट हो गया हमसे, अलग उसने घर अलग कर लिया। उसके बाद फिर फखर के साथ एक छोटा सा सीन हुआ, उसने हमसे छुट्टी ले ली थोड़े दिनों के लिए। अच्छा। फिर हमने उसे छुट्टी दे दी। Is think of devil and the devil is here. Clapping. Wow, I love you. I love you too. Excuse me. पहचाना मुझे? मैं पहचान रहा हूँ आपको। पहचानो, मैं तुम्हारा अपना हूँ। Guess करो। गेस करो। जानी तुमसे तो मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए आया हूँ। शैतान? ओ नहीं, ये शैतान, वो तो मेहमान है। How naughty. आप यहाँ कैसे आना हुआ, क्यों आ गए पाकिस्तान, क्या कैसे आना हुआ? या देखो, एक्चुअली बात ये है कि मैं आया हूँ स्कॉलरशिप पे। हमारे यहाँ जो को काफ है वहाँ स्कॉलरशिप पे हमें पाकिस्तान भेजा जाता है, क्योंकि आला तालीम के लिए यहाँ के लोग इतने क्रिएटिव हैं, जो आइडियाज इनके माइंड में आते हैं वो तो हमारे प्यो के भी माइंड में नहीं आ सकते। अपने लिए तालियां बजा दो। अच्छा, ताबी मुझे एक बात बता। बताऊंगा। मैंने सुना है तेरे बाल बच्चे कनाडा में। हाँ। अकेलापन महसूस करता होगा? नहीं, इतना अकेला नहीं हूँ मैं, वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, इतना भी अकेला नहीं हूँ। अच्छा, शो के बाद कुछ और भी शो करता है? शो के बाद कोई और कोकाफ में अगर हम शो करें तो तू वो भी करता है या नहीं, सिर्फ यही शो करता है? मैं एक प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, वो भी करता हूँ। अच्छा, नॉटी बॉय, दैट्स बदमाश, नटखट। मैं सवाल मेहमान हूं। यू आर ऑसम। अच्छा, तुझे पता है मैं ना अपने साथ चार शितुंगड़ों के साथ आया हूं। यू नो शितुंगड़े क्या होते हैं? छोटे छोटे। हाँ, इजी हो, वरना मुझे उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं, रख ही देते। मेरे साथ में मेरे चार शितुंगड़े हैं। शितुंगड़े कहते हैं जूनियर शैतान को, छोटे शैतान। मैं कुछ टुच्चा नहीं हूँ, मेरी डायरेक्ट रिपोर्टिंग है बॉस को, सर इब्लीस को। सर इब्लीस। जी जी जी, ठीक है। तो मैं उनका जूनियर हूँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? जिससे क्या, तू मुझे मामू कह दे। मुझसे पूछ रहे आपका क्या नाम है? तो जो मेरे चार दोस्त हैं वो एक असाइनमेंट पे हैं। ठीक है। तू जेजे को जानता है ना? जेजे? हाँ, जावेद जनाजा। जावेद जनाजा को जानता हूँ। हाँ, जनाजों पर से जेब कुतरना उसका काम है।
उस साइड पे फोकस करता है। ये एचएम का भाई है, छोटा एचएम का भाई है, हनीफ मैयत का। उसका काम मैयत पर से कफन चोरी करना है। सही है, एचएम का भाई। ये दोनों कजन है, पता किसके? किसके? एमएन के, मुश्ताक नाड़ा। अबे अब मत पूछना वो क्या लिखता है। मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा। शैतान के बारे में वैसे क्या फीडबैक है आपका? बड़ा ग्रेट आदमी है। आई लव यू। नहीं 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 नहीं, पैमरा पैमरा कितना शरारती है तू। सवाल पूछना शो के बाद क्या करता है? फखर वाली स्टोरी आप बता रहे थे कि फखर को आपने गैंग से निकाल दिया या आपने छुट्टी दे दी? उसने छुट्टी ली थी। छुट्टी क्यों मांगी थी फखर ने? छुट्टी ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी है। हम लोग गए थे 18 में ना टेस्ट सीरीज खेलने। अच्छा, ये 2018 में सीरीज खेलने, पाकिस्तान की सीरीज थी आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ ना। ठीक है। तो आयरलैंड अपनी हिस्ट्री का पहला टेस्ट मैच खेल रहा था, मुझे याद है। तो हम लोग एक महीना पहले चले गए थे ना यूज्ड होने के लिए। तो हमारा कैंप लगा हुआ था कैंट में, तो प्रैक्टिस के अभी भी कैंट है। हाँ जी। तो हमारी आदत थी प्रैक्टिस के बाद आके ना, हमारे होटल के पास ही थे सारे रेस्टोरेंट, तो खाना खाना दिन में कुछ और खा लिया, शाम में कुछ और खा लिया। तो थर्सडे का दिन था, हम चलेंगे टर्किश रेस्टोरेंट पे। उससे पहले भी हम वहाँ पे खाना खाते रहे ना, कभी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। भूख लगी हुई थी अच्छी खासी, तो हसन फोन पे लगा हुआ था, तो घर से बात कर रहा था, मैं उसके साथ पीछे था घर बात कर रहा था। वो चिदाब और फखर आ गए, फखर सबसे आगे था। फखर जाके ना बैठ गया टेबल पे, वो आए हैं, उन्होंने पूछा आपने बुकिंग करवाई है? चुप। चिदाब भी बैठ गया, हम लोग अभी पीछे ही थे, तो ना उन्होंने पूछा बुकिंग करवाई है? फखर ने बोला नहीं, कहता चलो पहले बुकिंग करो नहीं तो निकलो इधर से। अब हमें पता चल गया, मैं और हसन शरारती, हम उन्होंने छोड़ी ना। फिर मैंने फखर को इतना तंग किया, फखर की हमारे साथ सीरियस लड़ाई होगी। सही है। और फिर फखर ने हसन को बोला जानू मुझे ना एक हफ्ते की छुट्टी दे दे, ये ना हो कि मसला ज्यादा खराब। आयरलैंड में अब ज्यादा खाने का मसला, हम लोग पहली बार गए थे तो उसके ना 7 दिन गुजर गए। तो अब मैसेज कर रहा है यार मेरी छुट्टी ना, मेरे 7 दिन पूरे हो गए। हमने कहा बेटा तू ऐसी रह जरा। वहीं आपने तो देखा हुआ क्रिकेट में होता है T20 में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, वही वक्त हुआ इस शो में भी। खवातीन हज़रात ब्रेक का वक्त हुआ, चाहता है जाइए और जल्दी से कुछ ना कुछ करके वापस आइए। हम आते हैं, हंसना मनाए कहीं नहीं जा रहा। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, कैसे हैं आप? बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हसन मुर्तजा, फहीम अशरफ और शैतान। हसन भाई, हसन भाई लव मैरिज की अरेंज्ड? मेरी? हाँ मेरी अरेंज मैरिज है जी। सोचा आपने इसके ऊपर? दो एक सेकंड। हाँ मेरी अरेंज, याद नहीं ना, 20-25 साल हो गए हैं। अच्छा, अरेंज मैरिज थी पहले से? देखे, जानते थे भाभी को? मेरी कज़न थी, फर्स्ट कज़न थी। तो जानते ही होंगे। मैं उसे बहन कहता था। अरे ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। और अब भी कभी कभी भूल के मैं अब भी बहन कह बैठता हूँ। ये हो ही जाता है, हो ही जाता है। अच्छा, अब घर में आपकी चलती है हुकूमत या आप वहाँ पर भी मतलब ठंडे रहते हैं अपोजिशन में घर पे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, किसी की जरूरत नहीं है कोई मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात कर जाए। अच्छा, इतने सख्त? बिल्कुल। मैं रात उस वक्त घर जाता हूँ जब सारे सो रहे होते हैं। जरूरत ही कहाँ है? जरूरत ही नहीं कोई ऊंची आवाज में बात। हाँ जी। और निकलता उस वक्त हूँ जब सारे सो रहे होते हैं, तब भी जरूरत नहीं है किसी की हिम्मत ही ऊंची आवाज में बात करें। आप इतनी सीरियस बातें करते हैं सारा सारा दिन, आपका दिन नहीं जाता तन्हाई के आलम में? कभी शैतानियाँ भी कर लिया करूँ छोटी छोटी? मैं शैतानियाँ करना वा? मैं कोई शैतानियाँ करते हो? मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हाँ। और मेरा दिल भी करता है कि मैं तुहानू तुहाडे कोलू एंटरटेन होवां, ते मैं करना शैतानियाँ। हाँ, घबरा रहे हो ना आप? नहीं नहीं, मैं तो कंफर्टेबल हूँ। हसन भाई क्विक गेम खेलेंगे आपके साथ, इसमें आपका, इस गेम का नाम है वर्सेस। वर्सेस मतलब ये कि या तो ये या ये, आपने एक चूज करना है। फहीम से शुरू करूंगा। फहीम, शादाब या हसन अली? यार ये मुश्किल है, जवाब दें यार। हसन। हाँ, शादाब समझ जाएगा। ओ हसन पास है ना। पास है। हसन भाई, यूसुफ रजा गिलानी या बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो ऑफ कोर्स। फहीम, वर्ल्ड कप या 12,000 रन और 300 विकेटें? वर्ल्ड कप। वेरी गुड। शाह महमूद कुरैशी या फिर असद उमर? शाह महमूद कुरैशी बड़ा ग्रेट आदमी है। अच्छा, और असद उमर ग्रेट आदमी नहीं है? नहीं। और शाह महमूद कुरैशी आपके फॉर्मर, वो भी है ना कुलीग? नहीं नहीं, हमारे कुलीग का नहीं है। फिर वैसे ही अच्छा, एक डाकू बड़ा बड्डा है, एक मंगड़ा बहुत बड्डा है। मैं तो मंगण वाले नु दिल्ली देती बढ़िया। कहीं पिज्जा या बर्गर? पिज्जा। वेरी नाइस। हसन भाई, पार्लियामेंट या ससुराल? ससुराल ऑफ कोर्स। तालियां। बहुत अच्छे भाई,
काबिश जी, सॉरी मुझे बार बार लग रहा है तेरी रात की नींद नहीं पूरी हो रही। तू कसम खा सो रहा है ना? मैं बहुत गहरी नींद सो रहा हूँ। कसम खा तू सो रहा है ना? कसम खा तू सो रहा है? हंस मत, तेरा एक्सप्रेशन तेरी बॉडी के साथ जा नहीं रहा। रात को सोया है? नहीं। उससे पिछली रात को सोया है? नहीं। देखा, ऐसी शैतान होंगे यार। यार इस बंदे को तो कोई चीज नहीं बताऊंगा तुझे। मैं कह रहा हूँ शकीरदी में आ जा। मुझे यार सर, मुझे अभी चाय मंगवाना है। मेरे मौजूद गेस्ट आए हैं सर। चाय तो पियेंगे ना आप? भाई हम सुन रहे हैं तुम्हारी गुफ्तगू। छोड़ो चाय को यार। अरे हम नहीं जानते ये जमहूरियत वमहूरियत को, ये क्या चीज होती है यार। नवाबियत हमारी, ये जमहूर है, हमारा निजाम है, आईन हमारा है, लेकिन हमें कोई खिदमत का मौका ही नहीं देता। आप सियासत में आ जाए, सियासत में आ जाए। भाई खिदमत करने में वैसे एक कबाहत है। क्या? वो ये कि क्या कहते हैं कि झुक के मिलना भी कयामत है। वाह। लोग बुजदिल समझने लगते हैं। वाह वाह। अरे बस आप इस शेर को गलत मतलबों में मत लें। नहीं मैं, बदतमीजी मत, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे तो दिमाग, मेरे प्यो के दिमाग में वो बात नहीं आ सकती जो तेरे दिमाग में आ रही है। अरे 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 अरे, इतने मुअज्जज़ीन आपने मेहमान मदऊ किए हुए हैं, हमें बताया नहीं। हम आदाब अर्ज तो करते हैं, कम से कम हम आदाब अर्ज करते हैं। हसन मुर्तजा साहब बैठे हैं, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी। अरे साहब आपसे तो एक गुजारिश करनी थी, वो ये कि आप इस मरतबा पीपी का टिकट हमें दे दीजिए, फिर हमारी खिदमत देखिए आप। हाँ जी, और हार वार से नहीं, हम पंजाब में आपका किला मजबूत कर देंगे। नवाब साहब सियासत पे नहीं, सेहत पे तवज्जो दे। नवाब साहब देखिए, मेरे मौजूद मेहमान है, चाय पिलाएं, मैं आपके टिकट की बात करता हूँ, आप बस चाय पिलाएं। अरे भाई टिकट की बात हमें करने दो ना, वो चाय हमें असेंबली की बजाय सिनेमा हाउस का टिकट ले दे। चल अब बात करें उनसे। लेकिन साहब एक और भी गुजारिश है कि यहाँ पे ना एक पहलवान रहता है, वो हमारा दुश्मन है साहब। वो कहता है इलेक्शन से ना हमारी दुकानदारी खराब होगी। ये दुकान करता है एमसी जी, ये दही दही दूध की। बस आप यूं कीजिए कि उसके ऊपर ना कोई स्मगलिंग का केस बनवा के ना तो अंदर करवा दीजिए उसके। वो तो इनके बाएं हाथ का खेल है। ओए कैनेडिये, तू कब बाज आएगा? ओ मेरे मोहल्ले में मेरे खिलाफ ही साजिशें गड़वा रहे हो। क्या साजिश की है मैंने? ये मोहल्ला बनने से पहले यहाँ पप्पू पहलवान की दुकान बनी थी, तो गवर्नमेंट के कागजों में पहलवान पूरा लिखा हुआ इस मोहल्ले का नाम मैं तुम्हें बता दूं। पहलवान पूरा नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ पहलवान पूरा बदमाश। ओए यखनी की दुकान पे लटकाने वाले चरगे, तू भी ना हंस, तंग से तंग कोट भी तुझे खुला होता है। काम की बात करें यार। काम क्या करना, मैं आपको बता दूं मेरे मोहल्ले में ये कौन है, यमनी रकासा। आपके चचा आए हुए, आपके चचा आए हुए। इसको को बिहेव करे, यमनी रकासा कह रहा है। यमनी रकासा इनको सऊदी। ये है कौन है? ये मैं डीसीओ हूं जी। यार शैतान हूं। अच्छा अच्छा, रोज मैं तेनु मार के सोना वा बस। और बाबश भाई आप यकीन करें ये नहीं मरता। मुझे जोक पे हंसने दो यार, बहुत अच्छा था ये वाला, अभी ख्याल आया कि था क्या। रोज मार के से सोता हूँ, सवेरे मुझसे पहले उठा होता है। और ऐसा खतरनाक है, उठ के मुझे कह रहा होता है चल उठ शैतानियां कर। हसन साहेब माशाल्लाह बड़ी हाइट है आपकी, मानना सियासत में नहीं कद में। कमाल से इतना लंबा कद है ना हसन साहब का, ये तो छत पे खड़े हो ना जहाज को इस तरफ कर देंगे। फैसलाबाद इधर है भाई। अच्छा ना ना उल्टी बात कर। और कफेम साहेब राणा साहब दे सूट चो जेड़ा कपड़ा बचे ओदी टोपी सवा ली। पहलवान साहब, पहलवान साहब तवीज पाया, LCD लाई है। ये बात हुई ना, लो आपने प्यार से बात की, एक मशवरा है, या टोपी आगे कर लो या मुंह पीछे लुवा लो।
अच्छा अपना नवाब पहलवान साहब, क्या मसला आपका इनके साथ? ऐसे सीख में चढ़ाने वाले चिड़े नवाब, आपने देखा इसको? बस इसका सत्यानाश मारना है, क्योंकि सियासत शुरू करने से पहले किसी का सत्यानाश मारना जरूरी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मुझे इजाजत दो, मैं इसका सत्यानाश मार दूं फौरन। तू मेरा सत्यानाश मारेगा ना, मैं तेरा अठयानाश मार दूंगा। मुझे जानता नहीं। आप एक काम करें, आप लोग बैक स्टेज मतलब बैक डोर डिप्लोमेसी पे ध्यान दें, पीछे जाके अपना मसला हल करें, मेहमानों के सामने बेइज्जती ना कराया करो, लगे ना जाइलों का मोहल्ला। अरे ठीक है, लेकिन इस नवाब को आप मना कर ले, मेरे खिलाफ इधर साजिश हुई तो मुझसे भेड़ा कोई नहीं होगा, मैं बता दूंगा। नवाब साहब आप चंद घंटे रुक ले, आखिरत में हिसाब ले लीजिएगा। अरे अरे अच्छा यार ताबश, खाना लगा दिया, खा ले। ठीक है, थैंक यू। कड़की में लगाया है, कड़की में लगाया है, तुम्हें चूहा समझ रहा है वो। यार इसने मिजाज खराब कर दिया। शेर सुना दो। बस वो मेहमान ने गरामी से कुछ कहना था, लेकिन हम ना बराह रास्त नहीं कह सकते। गंदी बात है। नहीं नहीं, लाहौल में लोगों को जरूरत नहीं पड़ती हमारी ना दरअसल कहने की। वो कहते हैं कि अक्सर लोग अच्छा नाम छोड़ के जाते हैं, लेकिन बड़े लोग अच्छा काम छोड़ के जाते हैं। वाह 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 वाह। साथियों आज का असनामा नामे में साथ मौजूद थे हसन मुर्तजा और राणा फहीम अशरफ। उम्मीद है शो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इंतजार कीजिए अगली एपिसोड का। तब तक अपना ख्याल कीजिए और रात अच्छी गुजारिए। बाय बाय।